नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि अब आपको इन 3 दिनों में होना होगा सावधान, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत आप लोगों के सर पड़ चुकी है। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों तक आप लोगों के जीवन काल में और दोनों हाथों में हथकड़ियां भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि परिवार के किसी एक जन को जेल भी जाना पड़ सकता है। बिना बात के दोस्तों सजा भी मिल सकती है। आखिरी में मैं आपको बता दूं कि आपने जो कार्य नहीं किया है उसमें भी दोस्तों आप लोगों पर झूठा आरोप भी लग सकता है। तो ऐसे में इस समय आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं इस बात से अवगत करा दूं कि शनिदेव कर्म फल के दाता हैं और माता रानी कर्मों का फल देने में सर्वश्रेष्ठ दाई हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपने इन सावधानियों को नहीं बरता तो आपको आपकी ही गलतियां अब ले डूबने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किस प्रकार आप अपना अच्छा समय शुरू कर सकते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, जो भी इंसान कर्मठ होता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति माला माल हो जाता है। जानकर बता दें कि आप भी माला माल बन सकते हैं, लेकिन कुछ खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है जो आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। आपके सारे दुख दर्द, सारी तकलीफें किस प्रकार से दूर होंगी और दोस्तों माता रानी की कृपा कैसे आप सब पर पड़ सकती है, इस वीडियो में हम खास जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके जीवन में कई बार ऐसी तकलीफें आई हैं जिनका सामना आपने खुद किया है। अपनी तकलीफों को लेकर आप स्वयं ही बैठे हैं। अब ये सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और जो शनि देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके 3 दिन के राशिफल के बारे में, जिसमें दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। व्यापारियों के लिए ये दिन अच्छे रहने वाले हैं। व्यापार में स्थितियां सामान्य रहेंगी। जहां तक अगर बात की जाए स्वास्थ्य के बारे में, तो दोस्तों ये मौसम का जो हेर फेर है उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महीना है शुरुआत के दिन जो हम बता रहे हैं कि पूरे दिन ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। ऐसा नहीं है कि अगले 3 दिन ध्यान रख रहे हो, पूरे महीने आपको ध्यान रखना है और कुछ छोटी छोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। कामकाज के मोर्चे पर दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। इसके साथ ही कुछ कार्य आपके आत्मबल को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण दोस्तों घर के लोग भी आपसे थोड़े से खुश नजर आने वाले हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये जो दिन है बहुत ही प्यारा रहने वाला है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि बेरोजगार आज आपको कोई ना कोई बढ़िया सी नौकरी, कोई बढ़िया सा कार्य आपको मिल सकता है। जिस चीज की आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वे आज आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों जरा तैयारी करते रहें, समय बढ़ोतरी तगड़ा चल रहा है। आपने जो अपने प्रयास किए हैं उसमें दुगना तेजी पर लेकर आए। दोस्तों घमंड जो है कभी भी किसी का नहीं रहा है, घमंड कभी किसी का भी नहीं रहा है। इसलिए टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे केवल उसी के हैं। इसलिए जरा ध्यान रखें कि कभी भी अपने अंदर घमंड ना लाने देना। भगवान आपको सब देंगे, धन देंगे, खुशियां देंगे, ऐसो आराम देंगे, सभी प्रकार का सुख देंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर घमंड नहीं आने दिया, अहंकार नहीं पनपने दिया, तो दोस्तों आपको हर तरह की चीजें आप सभी को जल्दी ही मिलने वाली हैं। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगी, हर प्रकार की दुख मुसीबत से आपको जल्दी ही निजात मिलेगी, लेकिन जरा लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर ही रहें तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों आप अपने जीवन में गलतियों से मत डरिए, क्योंकि गलतियां उसी से होती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, संतान पक्ष की तरफ से कुछ अच्छा समाचार आपका इंतजार कर रहा है।
जबरदस्ती के बाद विवाद में ना पड़े, वाहन द्वारा गिरने से चोट लगने की स्थिति बन रही है, इस समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपकी कोई जल्दी समस्या हल होने वाली है, सकारात्मक नजरिया रखने से परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य होंगी। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा तथा किसी विषय को लेकर चल रही समस्याएं दूर होंगी। किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से आपकी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है, परंतु इस समय आपके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देने का है। अगर किसी पॉलिसी या फिर प्रॉपर्टी में चलने की योजना चल रही है तो उस पर पुनः विचार अवश्य कर लें। कार्य क्षेत्र में आपकी निगरानी बेहद ज़रूरी है, थोड़ी सी लापरवाही से महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल सकते हैं। बेहतर होगा अपनी नीतियों में कुछ खास बदलाव लाएं, सहयोगियों तथा कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे, इससे आपसी संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए दिनचर्या खान पान को संतुलित रखना आवश्यक है। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने के लिए मौका मिल सकता है, जिससे दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होगा। आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, नई ऊर्जा को प्रभाव अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है। ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य ही कर लें। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज रखें। साझेदारी संबंधी बिजनेस में पार्टनर के साथ चल रही गतिविधियों को शांति से सुलझाएं, नहीं तो दोस्तों बड़ा घातक हमला हो सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से कुछ तनाव रह सकता है, अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी आ सकती है, इसका असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ेगा। परिवार के लोगों के साथ में घर की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श होंगे और इनके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। बच्चों की तरफ से चल रही समस्याओं का हल मिलने से राहत और सुकून रहेगा। प्रत्येक कार्य को करने से पहले उचित बजट अवश्य ही बना ले। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। यदि दोस्तों कोर्ट कचहरी में कोई भी वाद विवाद चल रहा है, उसमें ज्यादा अपना हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो दोस्तों हथकड़ी लगने की भी स्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।